चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आइए सुनते हैं उनके कुछ अनमोल विचार। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं, जैसे एक अंधे के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुहक ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। दुर्बल के साथ संधि ना करें। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। संधि करने वालों में तेज ही संधि का होता है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दो खदाई हो जाता है।